ग्रीन प्लांट अ फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, इस चैप्टर को हम देख रहे थे जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देख लिया था। ठीक है, और जो प्लांट से प्लांट जो भी फूड स्टोर करता है, जो भी फूड वो बनाता है, उससे रिलेटेड हमने देख लिया था। और हमने ये भी देखा था कि प्लांट सिर्फ फूड ही नहीं प्रिपेयर करता है बल्कि वो हमें ऑक्सीजन भी देता है, इसको भी हमने देख लिया था। और इस पर ही बेस एक हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी देखा था। तो आज हम एक्टिविटी करेंगे। ठीक, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक ए वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट, प्लांट ए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक गमला ले लेना है, ठीक है, जिसमें प्लांट लगा हो। ठीक, एंड कीप इन डार्क रूम फॉर 2 डेज, और उसको 2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंधेरे कमरे का डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस तरह से हमें उसे अंधेरे कमरे में रख देना है। वाटर द प्लांट रेगुलरली, और हमें डेली उसे पानी देना है। ठीक, कीप अनदर प्लांट बी इन सनलाइट, और एक दूसरा प्लांट बी ले लेना है जिसे हमें सनलाइट में रख देना है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, आपको 2 गमले लेने, एक को अंधेरे कमरे में रख देना है और एक को सनलाइट में रख देना है। ठीक, सबसे पहले आपको ये करना है। सेकेंड देखिए, नाउ प्लक ए लीफ फ्रॉम बोथ ऑफ प्लांट, उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों प्लांट्स में से पत्तियां तोड़नी है, एक एक पत्ती दोनों में से तोड़ देना है। गो टू द लेबोरेटरी विथ योर टीचर एंड केयरफुली सी द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, आपको उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, लेबोरेटरी में जाके जो कि होगा, ठीक, तो उसको ध्यान से देखना है। ठीक, तो हम इसको समझते हैं कि वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट होगी और उसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, बॉयल ईच लीफ सेपरेटली फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल, हमें क्या करना है, उसके बाद जो भी लीफ हम लिए रहेंगे सबसे पहले हमें उसे वाटर में और उसके बाद अल्कोहल में क्या करना है, बॉयल कर लेना है। यानी सबसे पहले हम पहली लीव्स लेंगे, ठीक, जो अंधेरे कमरे वाली रहेगी, जो अंधेरे कमरे वाले गमला रखे रहेंगे उसमें से लीव्स लेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम उसको वाटर में बॉयल कर लेंगे, उसके बाद उसको हम अल्कोहल में बॉयल करेंगे। ठीक, और जो सनलाइट वाले लीव्स तोड़े रहेंगे उसके साथ भी हम ये सेम प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, उसको सबसे पहले पानी में उबाल लेंगे, उसके बाद किस में करेंगे, अल्कोहल में। ठीक, तो ये स्टेप यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, वॉश बोथ ऑफ देम सेपरेटली विथ कोल्ड वाटर, उसके बाद दोनों को हम निकाल लेंगे और किससे धुलेंगे, ठंडे पानी से धुलेंगे। यू विल फाइंड डैट लीव्स गेट ब्लीच्ड लूज कलर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लीव्स होगा वो ब्लीच हो चुका होगा, मतलब अपने कलर को खो चुका होगा, उसका रंग खो गया होगा। दिस इज डन सो डैट यू कैन सी रिजल्ट क्लियरली, ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट साफ साफ दिखने लगेगा। पुट ए फ्यू ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन ऑन ईच लीफ, उसके बाद क्या करना है, एक आयोडीन का सोल्यूशन आता है उसको आपको दोनों लीव्स पर डालना है। आगे देखिए क्या होगा, देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। यू विल ऑब्जर्व डैट लीफ ऑफ ए प्लांट, आपको जो भी प्लांट है उसके लीफ को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उस पर हम आयोडीन सोल्यूशन जैसे ही डालेंगे उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है दोनों लीव्स को, देखिए क्या होता है। ए डज़ नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, ए जो था वह ब्लू ब्लैक कलर का नहीं हुआ, ठीक है, यानी नीले काले रंग का नहीं हुआ। ए कौन सा था, जो कि डार्क रूम में रखा हुआ था, अंधेरे कमरे में रखा हुआ था। दिस इंडिकेट दैट द स्टार्च वॉज नॉट फॉर्म इन द लीव्स, तो इससे क्या पता चलता है कि उस लीव में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस वॉज नॉट कैरीड आउट, यहाँ या ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हुई। वाइल द लीव्स बी टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर, जबकि जो दूसरा लीव था, ठीक है, बी वाला लीव था, जो बी वाला हम कहाँ से लिए थे, सनलाइट वाला लीव्स, ठीक, तो ये क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, और ये क्या शो करने लगा, स्टार्च का प्रेजेंस शो करने लगा, मतलब वहाँ पे क्या है, स्टार्च की उपस्थिति है, या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई है। आगे देखिए, दिस मीन्स दैट प्लांट बी कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली, इसका मतलब प्लांट बी ने फोटोसिंथेसिस कायदे से किया, ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक, और ये क्या था, ये ब्लू ब्लैक कलर में, ठीक है, चेंज हो गया, बल्कि ये ब्लू ब्लैक कलर में नहीं चेंज हुआ, ठीक, आयोडीन सोल्यूशन डालने पर ऐसा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। वॉट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर एबसेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स ऑफ प्लांट ए, तो इसका कारण क्या था कि प्लांट ए में स्टार्च की कमी थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था, तो इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ एक और एक्टिविटी दी हुई है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है, टेक ए फ्रेश ग्रीन लीफ
एंड अ फॉलन लीव विच हैज़ टर्न कम्प्लीटली येलो। इस बार आपको क्या करना है, एक ग्रीन पत्ता लेना है या जो ग्रीन कलर का हो, ठीक है, और एक पत्ती ऐसी लेनी है जो कि पेड़ से टूट के गिर गई हो और येलो पड़ गई हो, ठीक है। आप देखे होंगे कुछ पत्ती क्या होती है कि पेड़ से जब गिर जाती है ज़मीन पर तो वो येलो पड़ जाती है, तो आपको एक उस तरह की पत्ती ले लेनी है और आपको ग्रीन लीव्स ले लेनी है, एक हरी पत्ती ले लेनी है। अब देखिए क्या करना है, गो टू द लेबोरेटरी एंड सी योर टीचर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। फिर से जो अभी एक्टिविटी हमने जस्ट की है उसे दोबारा से रिपीट करना है। देखिए अब क्या करना है, बॉयल बोथ लीव सेपरेटली फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। उसके बाद फिर हमें दोनों लीव को सेपरेटली अलग अलग सबसे पहले पानी में उबाल लेना है, फिर अल्कोहल में उबाल लेना है, ठीक है, सेपरेटली अलग अलग एक साथ नहीं। देन वॉश देम विथ कोल्ड वाटर। फिर हमें उसे क्या करना है, पुराने वाली एक्सपेरिमेंट की तरह ठंडे पानी से धो देना है। उसके बाद हम क्या किए थे, आयोडीन सोलूशन डाले थे, फिर से हमें इस पर आयोडीन सोलूशन डालना है। देखिए यहाँ दिया भी है, पोअर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोलूशन ऑन ईच लीव्स। फिर इन दोनों पर हमें क्या करना है, आयोडीन सोलूशन डालना है, ठीक। What do you observe? अब की बार आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या देखने को मिला, यू विल नोटिस दैट ग्रीन लीव्स टर्न ब्लू ब्लैक सोइंग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो इस बार क्या हुआ कि जो ग्रीन लीव्स थी, जो हरी पत्ती थी, वो उस पर जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डाला गया वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गई। ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होने का मतलब क्या था कि उस लीव्स में स्टार्च था। स्टार्च होने का मतलब क्या था कि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो थी वो कैरी आउट हो रही थी, मतलब उसमें हो रही थी। द येलो लीव डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक कलर। लेकिन येलो कलर की जो लीव्स थी, जो पत्ती जो थी पेड़ से गिर चुकी थी, उसमें कोई स्टार्च नहीं था, उसमें कोई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो रही थी, इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा था कि जो ग्रीन लीफ था उसमें स्टार्च था, जबकि जो येलो कलर की लीफ थी उसमें स्टार्च नहीं था। एक और एक्टिविटी दी हुई है उसको भी देख लेते हैं, क्या करना है, टेक ए पोटैटो एंड कट इन टू टू पार्ट्स। आपको पोटैटो लेके दो भाग में काट देना है। दो भाग का मतलब क्या हुआ, आप आलू ले लेंगे और उसको बीच से काट देंगे, ठीक। पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द कट साइड ऑफ पोटैटो। जब आप आलू को काटेंगे तो उसको क्या करना है, उसके बाद हमें उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। देखिए ये क्या हुआ, ये आलू को काट दिया, उसके बाद उस पर क्या डाल रहा है, यहाँ पे आयोडीन का सोल्यूशन डाल रहा है, ठीक। दिस उसके बाद क्या होगा, देखिए, यू विल ऑब्जर्व डेट ब्लू ब्लैक कलर ऑन द पोजिशन ऑन द पोर्सन वेयर यू हैव पुट आयोडीन ड्रॉप्स। तो आप जैसे ही उस पर आयोडीन ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होने का मतलब क्या होता है कि पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। दिस प्रूव दैट पोटैटो हैज स्टार्च, यानी कि इसमें शुगर है, स्टार्च है, इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ये प्रूव करेगा। तो इस तरह से ये तीनों एक्टिविटी आपकी हो गई, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।